अस्सलाम वालेकुम, साकिब मेहदी अली प्रोडक्शन में आपका इस्तकबाल है। और हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है फिलॉसफर हैप्पीनेस के तहत भी और ज़िंदगी गुजारने की बेहतरीन उसूलों के ताल्लुक से भी कि भारी बनो, भारी वज़नी, वज़नी बनो। लेकिन भारी भी इंसान दो तरह का होता है। एक, अगर मैं ये घास के पोले, ये जो फसल को अड़ा रहे मक्का को, इन्हें निकाल कर फेंकूँ और इनका कोई गट्ठा बनाऊँ यानी भारा बनाऊँ और उसको बाहर ले जा के बेचूँ तो उसका उतनी कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन मक्का के भुट्टों को आसानी से उनका गट्ठा बना के ले जाओ, फिर उनके भुट्टे निकाल के बेचो तो उसका वज़न बनेगा। तो मक्का के भुट्टों का वज़न और है और जो असली भुट्टे हैं अच्छे हैं और ये उसमें घास फूस जो मक्का में है या ये है तो उसका वज़न और है। तो भारी किस तरह बनना है, दो बातें होती हैं इंसान की ज़िंदगी में। वैल्यूबल बनो यानी अपने आप में आप कीमती है, बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन आपके सजेशन सुने जाते हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आपको काउटी स्टाइल या सिटी स्टाइल में आपको खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है। आप अगर सरपंच है तो भी आपकी बात का वज़न है, आप अगर मिनिस्टर है तो आपकी बात का वज़न है, आप अगर इमाम है तो आपकी बात का वज़न है, आप अगर आम सादे हैं तो भी आपकी बात का वज़न है। तो भारी बनो खुश रहने का और फिलॉसफर हैप्पीनेस और वैल्यूबल बनने का सबसे अच्छी बात ये है कि वैल्यूबल बनो, भारी बनो। अब ये वैल्यूबल बनना और भारी बनना क्या है, मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत से लोग उधर देखना, मैं काट रहा हूँ, तू देखे नहीं, सब कुछ और हो जाता उसमें, कभी कभी रुक जाता, रुक जाता दो मिनट। तो भारी बनना, भारी बनना किसे कहते हैं भाई? फला एक दिन मेरा भाई मुझे अभी कहता, मैंने एक आर्टिकल लिख कर आया और वो आर्टिकल लोगों के मसाइल का था और पोस्ट कर दिया उसको जहाँ पे कोई मसले थे। तो अब वो आर्टिकल की बात वज़नी थी मेरी और सही थी, तो मेरा भाई बोलता मुझे अभी घर पे खाने के वक्त, बहुत भारी है जनाब आप, माशाल्लाह बहुत भारी, और ये भी और मैं भी जनाब की स्टाइल करते रहता अक्सर किसकी। तो बात ये है कि हम भारी किस तरह रहते हैं, किसी की नज़र में भारी, किसी काम में भारी। हम कहते ना वज़नी होना चाहिए इंसान। मैं आपको दो बड़ी बड़ी बातें बताता हूँ खिलाफत में और जमहूरियत में। खिलाफत और जमहूरियत के दो बातों का डिस्टेंस है, इम्तियाज़ है, फ़र्क है ये कि जमहूरियत के अंदर इंसानों को गिना जाता है और खिलाफत में गिनते नहीं बल्कि वज़न देखते हैं कि ये इंसान कितना वैल्यूबल है, सही है, कितना अच्छा है, कितना इसका वज़न है, किसी काम में ये पावरफुल है या नहीं है। तो वज़नी और भारी बनो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वज़नी बनना अलग है। और जमहूरियत में इंसानों को सिर्फ गिरा जाता है, कोई भी हो सब लाइन में खड़ रहिए, बोले आप भी इसमें लाइन में खड़ रहिए, वैल्यूबल और भारीपन को नहीं रह गया। तो हमें भारी बनना है, वैल्यूबल बनना है। और भारी इंसान की भी कदर करना भी सुन्नत है, क्या समझे? वैल्यूबल। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कौम का कोई साहब इज़्ज़त शख्स आपके पास में आए या आपसे मिलने आए तो उसकी इज़्ज़त करो। जी, कोई कौम का भी साहब इज़्ज़त शख्स है, काफिर है, गैर मुस्लिम है, किसी काम से आया तो उसकी इज़्ज़त करो, बात सुनो उसकी क्या कह रहा है, कोई बात है। जी, उसे कहते हैं किसी भारी इंसान की भी इज़्ज़त करना। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अंदर वो भारी सिफात पैदा किए थे, कसीब सिफात के, सादे थे, दिखते थे, रहते थे सादे बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर बात थी। वो किसके अंदर भी? खालिद बिन वलीद में, बेहतरीन सिपा सालार थे। उकबा बिन नाफे समंदर के सफ़र के बेहतरीन सिपा सालार थे। उकबा बिन नाफे, अमीर माविया, बेहतरीन सारे कामों की आसानी हुई थी। तो अपने आप को भारी बनाइए। जी, ये नहीं कि हमारी बेकीमत दुनिया में आए बस खाए पिए कैसा भी चले गए ख़त्म हो गए मर गए, नहीं, ज़िंदगी में ऐसे भारी काम, अच्छे काम करके जाओ कि आपको खिदमत खल्क भी याद रखे और मुसलमान भी याद रखे किसी भी ताल्लुक से, कि नहीं इसने कुछ अच्छे काम करके गया। मैंने 400 वीडियो बना के गया, अचानक किसी ने भी को नमाज में शहीद कर दिया, चाकू मार दिया, ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरे 400 वीडियो से 400,000 लोगों ने राह रास्त पर आए, उनमें से अच्छे इल्म लेकर बहुत से नेक बन गए, तो मेरे लिए भारीपन हुआ। फरिश्तों ने मेरा अमाल नामा दिखाया, तो ये वीडियो दिखाए कि आपकी वजह से ये नेकियां फैल रही, तो अब आप क्या बोलते, बहुत नेक है तो आपको जन्नत दी जाती है। ऐसा भी होता है जी कि आपके नेक काम दुनिया में फेमस हो रहे हो। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइबर स्ट्रिक्टली दुनिया भर के बढ़ाइए अपनी अच्छी गुफ्तगू से, बनफ से नफीस भी और पीछे भी दुनिया भर के लोग सब्सक्राइब कीजिए। रखता हूँ, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।